में इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई, जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे। पूरी जिम्मेदारी अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? रामायण के रचयिता, उनका समाज में पूजनीय और भगवान का दर्जा है। जो रामायण उन्होंने लिखी और जो कल्पना की गई कि राम राज्य क्या हो, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन उनसे प्रेरणा लेते हुए यही संकल्प आज हम सब लोग लेते हैं कि समाज में भेदभाव खत्म हो, समाज में जो समय समय पे ऊंच नीच पैदा होती है उसको समाप्त किया जाए, जो नफरत फैलती है वो खत्म हो, और बिना सामाजिक न्याय के राम राज्य संभव नहीं है। तो सामाजिक न्याय के भी रास्ते पे हम चल करके उन्हें हम याद कर सकते हैं। एक बार फिर महर्षि वाल्मीकि जी जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यमंत्री जी उससे भी बड़ा, उससे भी आप लोग लगातार कहते थे कि कुछ बनाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी को समाज में नफरत फैलाने में फुर्सत नहीं है, और जिनका कार्यकाल 8 साल का इसी तरह का रहा हो, जिसमें उन्होंने तोड़ फोड़ बुलडोजर चला के पुलिस प्रशासन से अन्याय कराने का, तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं? अब तो जाने का समय है, अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं। सरकार में जितने दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को, तो जाते समय कौन याद करता है? अगले जी जो बहराइच में हुआ है जिस तरीके से, उसको क्या मानते हैं, क्या है ये बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं भूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी, और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। मैं जहां वाल्मीकि समाज के लोग जो यहां हमारे उपस्थित हैं, जुगल किशोर वाल्मीकि हमारे साथ हैं, जितना समाजवादियों ने काम किया हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से सम्मान में हम नेताजी ने, समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि जयंती के दिन छुट्टी की थी, इसके साथ साथ वाल्मीकि समाज के जो तमाम उनकी सामाजिक और नौकरी और रोजगार को लेकर के जो समस्या है, समय समय पे वाल्मीकि समाज के लोग जब मिलते हैं तो उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलने चाहिए, वो नई सरकार में मिल पा रहा है। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, समाजवादी लोग जब सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान, उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। यहाँ तक मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में, मिल्कीपुर का चुनाव उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे। बीजेपी और उनके साथियों का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले बीएलओ बदले, जिसमें कि पिछड़े पीडीए परिवार के सब बीएलओ हटा दिए गए,
पीडीए परिवार के अधिकारी हटा दिए गए। उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया। मुख्यमंत्री जी कई बार गए, प्रशासन के लोगों को बुला करके राय मशवरा किया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ली। जब उन्हें ये पता लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं, इतने खेल खेलने के बाद, बीएलओ हटाने के बाद अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीडीए परिवार का। मैं अपने साथियों से कहूंगा जो मैं कैमरे गिन रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कैमरे से ज्यादा हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको भी पता होगा कि सब बीएलओ हटा दिए। अरे अभी रुकिए, सब अधिकारी हटा दिए। और उसके बाद कई बार मुख्यमंत्री जी गए तो उसके बाद उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई, जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए। तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहाँ हो जाए। अगर दो दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए तो चुनाव नहीं होगा। हमारी भी अपील है कम से कम दो दिन के अंदर कोर्ट से वो रिट वापस ले लें। राहुल गांधी का महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहां हमारे दो विधायक थे और हमें सीटें भी ज्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होंगे। यूपी में भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा, बहुत जल्दी तय हो जाएगा। सर एक सवाल है। नहीं देखिए, साथ आना, साथ काम करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है राजनीति में। अब लोग तो वो घबराए हुए जिन्होंने बीएलओ हटाए, पीडीए परिवार के अधिकारी हटाए। हमें उम्मीद है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, एक भी पीडीए परिवार का नहीं है। कम से कम आप अपने कैमरे से जरूर दिखाना। सर एक सवाल, अगला है पूरे स्टेट की पावर मिल जाए, स्टेटहुड पावर मिल जाए। सर एक सवाल है, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज वहाँ के वरिष्ठ नेताओं तो षड्यंत्र है, जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के, समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 20 कैमरे हैं, वो माइक्रोस्कोप से पीडीए परिवार को हटा रहे हैं, देख रहे हैं। कम से कम इन कैमरों से बताना, जो सर्वे में हार गए, इंटरनल सर्वे में जो हार गए, मुख्यमंत्री जाने के बाद हार रहे हैं, उन्हीं ने जानबूझकर के चुनाव टाला था, बदनामी से बचने के लिए अब चुनाव कराने जा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।